What is given? Liquidation of companies. Liquidation. Liquidation मतलब क्या हो रहा है? समझो वो पूरा प्रोसेसिंग बंद हो रहा है. असेट्स बेचेंगे, लाइबिलिटीज पे ऑफ होगी, बराबर है. कोई देखो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, सब प्रोसीजर होता है बेटा. सो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में कंपनीज का लिक्विडेशन होना मतलब सबसे पहले आपको मालूम पड़ना चाहिए कि वाइंडिंग अप क्या होता है. व्हाट इज वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप मतलब क्या? कंपनी डिसॉल्व हो रही है. कंपनी डिसॉल्व होगा, उसका असेट्स पूरा क्या होगा? रियलाइज होगा. फिर डेट्स जो लाइबिलिटीज है वो सेटल होगी, एवरीथिंग है कि नहीं. सो देखो सेंटेंस क्या है बेटा, वाइंडिंग अप इज अ मींस टू डिसॉल्व अ कंपनी एंड रियलाइज एंड यूज इट्स असेट्स. रियलाइज करो असेट्स, यूज और उसको यूज करो इन द पेमेंट ऑफ इट्स डेट, लाइबिलिटीज को पेमेंट करने में. इफ एनी इज पेड बैक टू द मेंबर, अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ द डेट्स, सब सेटिस्फेक्शन होने के बाद, डेट्स का सेटलमेंट होने के बाद, इफ देयर इज एनी रिमेनिंग बैलेंस, सो पेड बैक टू द मेंबर्स. मेंबर्स कौन है अपने? इक्विटी और प्रेफरेंस. तो पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे होगा, फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर को, इन प्रपोर्शन टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय देम टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो फाइनली जो भी किसको पेमेंट होने वाला है अपने, कोई भी सरप्लस बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो मेन शेयर होल्डर है कंपनी के. सो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज द प्रोसेस. ये क्या है बेटा? इट्स अ प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ इज एंडेड. कंपनी की लाइफ क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है, एंड हो रही है. एंड इट्स प्रॉपर्टी इज एडमिनिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स क्रेडिटर्स. तो बंद हो रहा है तो उसके जो भी असेट्स है, प्रॉपर्टीज है, बेच के फिर क्रेडिटर्स का ड्यूज सेटलमेंट होगा. क्रेडिटर्स को पे ऑफ करोगे ना, फिर असेट्स बेचा, फिर देखो लाइबिलिटीज क्या क्या है, अपने को स्टेप बाय स्टेप पे ऑफ करना है. फिर बचा जो भी सरप्लस वो मेंबर्स को देना है, जो कंपनी के मेन शेयर होल्डर्स है, फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब ये जितना भी प्रॉपर्टी है उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है भाई? एक बंदा अपॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर. एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्टर करेगा ये सब प्रोसेस को, असेट सेल ऑफ हो रहा है, सेलिंग ऑफ प्रोसेस का, राइट है, वो बंदा है आपका लिक्विडेटर. क्योंकि असेट सेल ऑफ होगा, उसी के बेसिस पे आपका ड्यूज सेटलमेंट होगा. ठीक है, क्रेडिटर्स को सेटलमेंट करोगे. सो एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, एन एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड अ लिक्विडेटर. लिक्विडेटर अपॉइंट होगा और वो पूरा कंट्रोल करेगा फिर इस प्रोसेस का, वाइंडिंग प्रोसेस का, लिक्विडेशन प्रोसेस का पूरा कंट्रोल करेगा. असेट सेल ऑफ करना है, क्या है, कितना असेट्स है, प्रॉपर्टीज कितनी है सेल ऑफ करना, बराबर है. फिर लाइबिलिटीज जो भी है, ड्यूज है, सब पे ऑफ करना, राइट. वो पूरा प्रोसेसिंग अपना कौन देखेगा बेटा? लिक्विडेटर, राइट. तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है बेटा, दैट इज व्हाट लिक्विडेशन है कि नहीं. फिर एक बंदा अपॉइंट हो रहा है, दैट इज व्हाट लिक्विडेटर, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेट, जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, राइट है. ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी पूरा, जो भी वाइंडिंग अप प्रोसेस का, लिक्विडेशन प्रोसेस का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? लिक्विडेटर के हाथ, राइट है. वो पूरा असेट्स बेचना, कितना पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है सब, फिर कैसे पेमेंट, कौन कौन सा लाइबिलिटीज का कौन सा ड्यूज है, कौन सा पहले पे करना है, कौन सा बाद में, एवरीथिंग ही टेक्स अ कंट्रोल. ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ही और शी, ठीक है. सो लिक्विडेटर का काम ही है वो सारे असेट पूरा कंट्रोल कर रहा है, मतलब सारे असेट्स कितना बिक रहे हैं, सारे असेट्स कलेक्ट करेगा, मालूम पड़ा कि नहीं, सेल ऑफ होगा, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज का पे ऑफ करेगा वो, इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, जो भी ऑर्डर ऑफ पेमेंट रहेगा. फिर सरप्लस रहेगा तो सरप्लस किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? मेंबर्स को, राइट है, मालूम पड़ा कि नहीं, किसको? मेंबर्स को. इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसी का ये सब काम है बेटा, वो पूरा सब मैनेज करेगा, एडमिनिस्ट्रेट करेगा. तो लिक्विडेशन आखिर क्या हो गया? लिक्विडेशन देखा जाए तो लिक्विडेशन रेफर्स टू सेलिंग ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, बराबर. लिक्विडेशन रेफर्स टू सेलिंग ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी. वो असेट से जो भी आपको अमाउंट रिकवर होगा उससे आप क्या करोगे? डेट्स, ड्यूज, ये सब सेटल करोगे, राइट है. और फाइनली मेंबर्स, फाइनली सरप्लस रहेगा, इफ देयर इज अ सरप्लस देन मेंबर्स का सेटलमेंट होगा, मेंबर्स को पेमेंट करोगे, दैट्स इट, राइट. और इसलिए बोलते, देखो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वाइंडिंग अप मतलब क्या है? वाइंडिंग अप मींस व्हाट? Winding up under this act or liquidation under the IBC 2016. मतलब जो section 2 subsection 94A है of Companies Act 2013, उसमें देखो winding up process होगा तो ही वो liquidation में जाएगा. Winding up से ही पूरा processing होगा, interconnected है. So winding up means what? Winding up under this act
और लिक्विडेशन अंडर दी आईबीसी 2016, ये फुल फॉर्म इसका याद रखना बेटा आईबीसी का, वेरी इंपॉर्टेंट। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, व्हाट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, आईबीसी फुल फॉर्म याद रखना, आईबीसी स्टैंड फॉर व्हाट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, राइट। तो वही है बेटा, लिक्विडेशन में क्या होगा, बिजनेस का वाइंडिंग अप हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, फिर लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, सेल ऑफ करेगा असेट्स को, लाइबिलिटीज पे ऑफ करेगा, डेट्स जो भी है उसको पे ऑफ करेगा, फिर सरप्लस होगा तो अपना मेंबर्स को मिलेगा, राइट है, मालूम पड़ा, इन अकॉर्डिंग विद देयर राइट्स, मेंबर्स को मिलेगा इन अकॉर्डिंग विद देयर राइट्स, जिसके जैसे राइट्स है उसके हिसाब से उनको पेमेंट होगा, राइट। सो आईबीसी याद रखना, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। तो वाइंडिंग अप अल्टीमेटली लीड्स टू क्या हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, ये तो पता ही आपको, वाइंडिंग अप हुआ अल्टीमेटली लीड्स टू डिसोल्यूशन, फिर वही लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, सारे एसेट्स का वो पूरा कंट्रोल करेगा, कैसे क्या बेचना है, कितने में बेचना है, उसके बाद लाइबिलिटीज का सेटलमेंट, डेट्स का सेटलमेंट, डेट्स जो भी है, डेट्स का पे ऑफ, एवरीथिंग, राइट। एंड फाइनली इफ देयर इज एनी सरप्लस, देन दोस सरप्लस मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट्स, इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट्स, जिसका जैसा राइट्स है उसके हिसाब से वो पूरा मैनेज करेगा, लिक्विडेटर, राइट। और लिक्विडेशन देखा जाए, लिक्विडेशन रेफर्स टू क्या हो गया, याद रखो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, लिक्विडेशन रेफर्स टू क्या हो गया, सेलिंग ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, नॉर्मल क्या बेटा, लिक्विडेशन रेफर्स टू व्हाट, सेलिंग ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी इज व्हाट, लिक्विडेशन, क्योंकि यहां सेलिंग ऑफ होगा, पैसा आएगा, डेट्स का सेटलमेंट होगा, फाइनली जो भी बचा वो मेंबर्स को मिलेगा इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट्स। तो ये माइंड में एकदम फिक्स रखने का, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है बेसिक, सारे आपके माइंड में होने चाहिए, बराबर, क्लियर है, ओके। सो आईबीसी का फुल फॉर्म याद रखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, नॉर्मली लिक्विडेशन रेफर्स टू क्या हो गया, सेलिंग ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, और ये सब कब होगा बेटा, जब कंपनी डिसॉल्व होगा, लिक्विडेशन प्रोसेस में आ गया, दैट्स इट। अभी लिक्विडेशन प्रोसेस में देखो, लिक्विडेशन प्रोसेस में अभी जैसे डेफिशिएंसी एंड सरप्लस है, क्या है, डेफिशिएंसी एंड सरप्लस से रिलेटेड आया तो उसके लिए लिस्ट है, लिस्ट एच, एक रूल है, रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से लिस्ट एच में जाएगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो भी है वो लिस्ट बी से रिलेटेड हो गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का है तो लिस्ट ई से रिलेटेड हो गया, मतलब एक स्पेसिफाइड लिस्ट है सबका। तो ये खाली एक नॉलेज के लिए याद रखो, बराबर है, और याद रखना इसको, जैसे कुछ आपको एग्जांपल के लिए बताया, डेफिशिएंसी इन सरप्लस से रिलेटेड व्हाट, लिस्ट एच, सिक्योर्ड क्रेडिटर से रिलेटेड लिस्ट बी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से रिलेटेड लिस्ट ई। नाउ सी, देखो लिक्विडेशन प्रोसेस हुआ, सेलिंग ऑफ असेट्स का सेलिंग ऑफ हो गया, पेमेंट का टाइम आया, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या फॉलो करना है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में, सबसे पहले तो लीगल चार्जेस पे कर दो, ठीक है, लीगल चार्जेस के बाद लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर को क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन, याद रखना, ठीक है, लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू गेट द रेम्यूनरेशन, समझा, इसको रेम्यूनरेशन जो भी मिलेगा वो उसका पेमेंट करना है, फिर लिक्विडेटर का जो खर्चा एक्सपेंसेस हुआ है वो पेमेंट करना है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखो, सब हो गया, पैसा आया, लीगल चार्जेस पे करो पहले, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन सेकंड स्टेप पे आ जाएगा, लिक्विडेटर का जो खर्चा हुआ रहेगा वो थर्ड स्टेप पे आ जाएगा, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, उसके बाद आपको क्या पेमेंट करना है, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स की लाइबिलिटी, बराबर है, किसकी लाइबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका लाइबिलिटी है ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, उनको सेटल करना है। फिर आ जाओ क्रेडिटर्स को सेटल करो, किसको बेटा, क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स है, अब क्रेडिटर्स मतलब तो कॉमन सी बात है, आउटसाइड लाइबिलिटी हो गया बेटा क्रेडिटर्स, बट क्रेडिटर्स में जो अभी बता रहा हूं बाइफरकेशन, वो एकदम अच्छे से याद रखना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्रेडिटर्स में भी सबसे पहले आप क्या करोगे, बराबर है, प्रेफरेंशियल और अदर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स में सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड का तो नॉर्मली सिक्योरिटी बेसिस पे होता है तो वो तो सेटल हो जाए, बट उसके बाद के जो अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड में क्या होता है बेटा, जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अदर, मतलब सिक्योर्ड, देखो अनसिक्योर्ड में जो क्रेडिटर्स आएगा आपका, सिक्योर्ड वाला कोई टेंशन नहीं, सिक्योर्ड तो वो सिक्योरिटी रहेगा, वो तो सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। अब जो क्रेडिटर्स में अनसिक्योर्ड पार्ट है, उसमें सबसे पहले आपको किसको पे करना है बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटी, क्रेडिटर आउटसाइड लाइबिलिटी है, उसमें सबसे पहले आपको प्रेफरेंशियल जो क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट करना है, ये सारे अनसिक्योर्ड के है याद रखना,
सबसे पहले आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को देना है, उसके बाद अदर्स, अदर्स मतलब अदर जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होगा उसको। तो याद रखना क्रेडिटर्स में क्या करना है बेटा, आपको क्रेडिटर में सबसे पहले किसका ड्यू सेटलमेंट करना है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में क्रेडिटर में सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद अदर्स, अदर्स मतलब जो भी अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। अब बच्चा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या होगा, प्रेफरेंशियल में बराबर है, लास्ट ईयर में भी पढ़ाया था, प्रेफरेंशियल में क्या होता है, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट और अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयज। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में सबसे पहले आप किसको पे करोगे, गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ड्यूज है, गवर्नमेंट से रिलेटेड ड्यूज मतलब क्या, टैक्सेस, बराबर है, टैक्सेस हो गया, लोकल टैक्सेस हो गया, लोकल बॉडी टैक्सेस मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स होता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, वो सब अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट। अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयज से रिलेटेड क्या होगा, एम्प्लॉयज से रिलेटेड मतलब वही सैलरी, वेजेस, पीएफ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बराबर, लिक्विडेशन हो रहा है तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, प्रोविजन है, वो सब पे करना पड़ेगा ना बेटा। सो दैट इज व्हाट अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयज। तो अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयज में सैलरी, वेजेस, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब आपका क्या है, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयज है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, याद रखना। सो दीज ऑल आर व्हाट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल में भी क्या करना है आपको, पहले ड्यू टू गवर्नमेंट, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट क्या है वो पे ऑफ करो, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट के बाद अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयज क्या है वो पे ऑफ कर दो, राइट है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आपका देखो बाइफर्केशन, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट, जो भी टैक्सेस है, लोकल बॉडी टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, राइट, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का जो भी सैलरी वेजेस है, रिटायरमेंट बेनिफिट जो है उनका, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो सब देना है, समझे कि नहीं। तो सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। फिर अदर्स में जो बाकी, अदर्स मतलब क्या, जो बाकी आउटसाइड लायबिलिटी है, जो अनसिक्योर्ड अदर क्रेडिटर आ गए वो सब पेमेंट करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी है, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, वो सब, ठीक है, अदर्स। उसके बाद आ जाओ फिर क्रेडिटर्स का सेटलमेंट होने के बाद, अब आ जाओ मेंबर्स पे, जो शेयर होल्डर्स हैं। तो शेयर होल्डर में सबसे पहले किसको दोगे आप, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल जो है, प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर्स, और प्रेफरेंशियल होल्डर को देने के बाद फाइनली रिमेनिंग सरप्लस जो बचा वो हमारे मेन शेयर होल्डर जो कंपनी के है, इक्विटीज, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको मिलेगा फाइनली। बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर इतना ज्यादा रिस्क लेते हैं, सबसे लास्ट में उनके पास आएगा, क्योंकि वही तो है भाई, इक्विटी शेयर मतलब रिस्की शेयर, रिस्की शेयर है, तो देखो सबसे लास्ट में फाइनली उनको मिलेगा। तो इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क है, बराबर, रिस्क लेगा तो ही तो आगे बढ़ेगा। तो रिस्क लेने का ऐसे ही नहीं, कैसा भी रिस्क ले लो, उसके लिए रिस्क लेने के लिए भी पूरा एनालिसिस, एनालिसिस करने का, स्टडी करने का, उसके बाद रिस्क लेने का, बच्चा समझे कि नहीं, मालूम पड़ा कि नहीं। तो रिस्क ऐसे नहीं लिया जाता, उसको पूरा एनालिसिस करके लिया जाता, स्टडी करके लिया जाता। अभी जैसे अमराजा बैटरीज है, अमराजा बैटरीज में किसी को इक्विटी शेयर होल्डर बनना है, तो इक्विटी शेयर खरीदेगा, लेकिन वो देखेगा कि अमराजा बैटरीज कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका फंडामेंटल्स कैसा है, टेक्निकल कैसा है। तो अमराजा बैटरी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग कंपनी है, अमराजा बैटरी मतलब एमोरॉन, बैटरी सुना है ना, एमोरॉन, माय बैटरी इज एमोरॉन, एमोरॉन देखते हो हर जगह दिखता है, एक्साइड और एमोरॉन। तो एक्साइड आपका दूसरा कंपनी, एमोरॉन दूसरा, एमोरॉन मतलब अमराजा बैटरीज। तो उसका, उसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपने देखा फंडामेंटल स्टडी किया, बहुत स्ट्रांग है कंपनी का, बैलेंस शीट, पीएनएल सब अच्छा है, टेक्निकल उसका देखा, टेक्निकल में थोड़ा वीक लग रहा है, तो ठीक है टेक्निकल वीक लग रहा है तो एक बार वो सेटल हो जाएगा, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है उसका, तो कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रो करती ही है बेटा, समझे कि नहीं। तो अभी जैसे टेक्निकल इसका डाउन है, टेक्निकल डाउन क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं कुछ, तो इसकी वजह से टेक्निकल डाउन है। तो वो केसेस अगर सॉल्व हो जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा, तो फिर वो फिर से अपना क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट देगा। सो पूरा स्टडी करना पड़ता है कि भाई आप किस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन रहे हो, किसमें आप इन्वेस्ट करोगे, मालूम पड़ा किसमें आपका होल्डिंग्स रहेगा, तो एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। तो फिलहाल उसके बारे में अपने को इतना पूरा डिस्कस नहीं करना है, उसके लिए अलग से चाहिए रहेगा तो बाद में सेशन करेंगे, ठीक है, वो अपना इधर इससे रिलेटेड नहीं है फिलहाल, ठीक है, चलो। सो ये पूरा ऑर्डर ऑफ पेमेंट याद रखना, लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर एक्सपेंस, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में भी प्रेफरेंशियल, देन अदर्स, प्रेफरेंशियल में भी पहला अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट, फिर अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयज, अदर्स में अनसिक्योर्ड जो भी अदर क्रेडिटर्स है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर मेंबर्स का, मेंबर्स का ड्यूज जिसमें प्रेफरेंशियल होल्डर को पहले देना है, प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पहले, और फाइनली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स,
सिंपल, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। सो ये पूरा ऑर्डर ऑफ पेमेंट है बेटा। अब इसी के बेसिस पे जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है वो लिक्विडेटर पूरा एक स्टेटमेंट बनाएगा, बराबर है। लिक्विडेटर क्या बनाएगा बेटा, एक स्टेटमेंट बनाएगा, क्योंकि लिक्विडेशन प्रोसेस हो रहा है तो पूरा स्टेटमेंट बनाएगा। सेलिंग ऑफ द एसेट्स तो कितना आया, कितना पैसा आ रहा है, फिर कितना पेमेंट करना है, उसका पूरा वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं। तो लिक्विडेटर जो स्टेटमेंट बनाएगा उस स्टेटमेंट को बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, जिसमें कितना कैश बैंक आया, सब असेट सेल ऑफ करने के बाद कितना पैसा आ रहा है, और ये लाइबिलिटीज के ऑर्डर में पेमेंट करना है, ये लाइबिलिटीज ऑर्डर में पेमेंट करना है कि लीगल चार्जेस पे किया, रेम्यूनरेशन पे किया, एक्सपेंस पे किया, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट दिया, ठीक है, क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया, इक्विटी को दिया, लाइक दैट सिंपल, समझे कि नहीं। सो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको फॉलो करना है, उसके लिए लिक्विडेटर आपका क्या बनाएगा बेटा, एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रहेगा, जिसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे अभी क्वेश्चन में। चलो सो सी, एक एग्जाम्पल लेते हैं उसके लिए। सो लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएगा, तो उसके लिए देखो एग्जाम्पल जैसे इधर दिया है मैंने, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, किसका बैलेंस शीट है ये, एक्स वाई लिमिटेड का है, विच इज इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर पूरा कंट्रोल करता है, पढ़ा अभी थियरी में नॉर्मली, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन एक है, इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटर, अब वो एक्स वाई लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है वो दिया है, ठीक है, जिसमें शेयर कैपिटल है 1006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप है, ओके, इक्विटी शेयर है 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, 100 ईच वाले सबने पैसा दे दिया अपना, ओके। फिर सेकंड क्लास में देखो क्या दिया अपने को, इधर भी 2000 इक्विटी शेयर है 100 ईच के, बट 75 पेड अप है बस, ओ हो हो, ये लोग ने अभी मतलब यहां 75 पेड अप ही हुआ है, मतलब 25 रुपीज अभी भी कंपनी ने कॉल नहीं किया, तो क्या सो रही थी, ठीक है, कंपनी करेगी ना कॉल, अभी लिक्विडेशन प्रोसेस आ गया तो क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर से मंगाएगी पैसा कि दे दो भाई 25 रुपया, अब उसमें भी 25 रुपीज पेंडिंग है ना, तो वो 25 में से भी कंपनी पूरा कैलकुलेशन करेगी, फिर देखेगी 25 मंगाना है कि कम मंगाना है, कि 15 मंगाना है, कि 10 मंगाना है, उसका पूरा कैलकुलेशन होगा लिक्विडेशन में, ठीक है, कि ज्यादा मंगाना है, ज्यादा तो मंगा नहीं सकते, लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है, तो जितना बाकी है 25 रुपया तो उतना ही मंगाओगे या तो उससे कम, तो वो पूरा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, देखेंगे कि 25 आ रहा है कि उससे कम आए, चलो राइट है। तो बच्चा अगर पैसा कम आया, समझो इधर 25 था, बट कैलकुलेशन करने के बाद सब लॉस वेस्ट का सब देखा, तो आ रहा है समझो 25 नहीं, कंपनी 15 रुपये मंगा रही है, 15 रुपीज, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को 10 रुपया जो हो गया वो छोड़ दिया, चलो ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर ने तो पूरा 100 रुपीज पे किया था, इन लोग के साथ तो भाई अन्याय हो जाएगा एकदम, बराबर है, मतलब देखा जाए तो ये लोग 90 रुपीज तक ही पे कर रहा है, और इन्होंने तो बेचारे लोग ने 100 रुपीज पूरा पे कर दिया था, तो कंपनी क्या करेगी, बोलेगी अरे टेंशन मत लो, हम आपके साथ कोई बायसनेस नहीं करेंगे, आप लोग को हम 10 रुपीज एक्स्ट्रा रिटर्न कर देंगे, टेंशन मत लो, जब हमने इनसे 90 लिया है तो आपसे भी 90 लेंगे, आपका 10 रुपीज रिफंड कराएंगे, वो सब पूरा कैलकुलेशन होता है, बराबर है, तो वो सब देखेंगे हम लोग क्या है, चलो कैलकुलेशन के बेस पे ही समझेगा। फिर उसके बाद क्या बोलता है, लोन फ्रॉम बैंक, कंपनी ने लोन लिया था, एक्स वाई लिमिटेड ने लोन लिया था बैंक से, वो भी सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड लोन है, तो सिक्योरिटी वाला तो ऑटोमेटिकली गेट सेटल्ड, सिक्योरिटी किस पे लिया है, स्टॉक पे, स्टॉक 1,20,000, देखो 1,20,000 का स्टॉक है और 1,00,000 का लोन है, ठीक है, तो जरूरी है क्या, आप खुश मत हो कि भाई 1,20,000 का स्टॉक है, स्टॉक ज्यादा है लोन कम है, अरे भाई ये स्टॉक मार्केट में बिकेगा तो जरूरी है क्या 1,20,000 ही मिलेगा, कम भी मिल सकता है ना आपको, ठीक है, तो जैसे देख लो अभी ये स्टॉक मार्केट में सेल हुआ, यस, तो 1,10,000 मिला, कितना मिला 1,10,000, तो लिक्विडेटर क्या करेगा, बोलेगा चलो 1,10,000 मिला है ना, तो 1,00,000 तो सीधा बैंक का सेटलमेंट हो गया, बैंक लेके निकल लेगा अपना, बचा 10,000, तो 10,000 का कैश आया ना कंपनी के पास, बराबर है, तो बैंक क्या करेगा, भाई 10,000 का कैश लो, आपका बचा है, हमने अपना 1,00,000 का लोन सेटल कर लिया, ये 10,000 आपका सरप्लस है, ले लो, तो कंपनी के पास वो 10,000 तो कैश बैंक में दिखेगा ना डेबिट में, है कि नहीं, कंपनी थोड़ी 1,10,000 दिखाएगी कैश बैंक में, क्योंकि 1,10,000 में से तो 1,00,000 तो इसका सेटलमेंट हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ सिक्योर्ड लोन,
ये सिक्योर्ड है, ठीक है, तो 1 लाख गया, बचा 10, तो 10,000 का सरप्लस दिखाएगा वो कि भाई सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी आया अपने कैश बैंक में 10,000, सिंपल। उसके बाद क्या दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स, चलो क्रेडिटर्स की भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स में ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है, प्रेफरेंशियल है कि क्या है, अदर्स है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये मतलब क्या हो गया, अदर, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गया। आ जाओ असेट्स में, अपने पास क्या क्या है, फिक्स असेट है, स्टॉक है, बुक डेट्स है, कैश है, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस, असेट साइड में है, मतलब पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा, दिस इज नोन एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, ये सब अपना असेट साइड है। चलो उसके बाद क्या बोलता है, द असेट्स रियलाइज्ड, क्या, अब जो भी असेट्स है वो रियलाइज्ड हुआ, रियलाइज्ड हुआ, और द फॉलोइंग अमाउंट्स, द असेट रियलाइज्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड लिक्विडेटर कमीशन, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, जो भी असेट्स है वो रियलाइज हुआ है आपका, राइट है, असेट रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट्स, असेट रियलाइज करने के बाद आपको जो भी फॉलोइंग अमाउंट्स मिला है, ठीक है, असेट रियलाइज एंड फॉलोइंग अमाउंट दिख रहा है आपको, नीचे सब दिया है, आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड लिक्विडेटर कमीशन, तो रियलाइजेशन का जो भी कॉस्ट है, लिक्विडेटर का कमीशन, सब सेटलमेंट कर, अच्छा, आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड लिक्विडेटर कमीशन अमाउंटिंग टू ₹5,000 पेड आउट ऑफ कैश इन हैंड ऑफ ₹40,000 एज पर बैलेंस शीट। तो देख रहे हो आपके पास बैलेंस शीट में पहले से कैश अवेलेबल है, तो कैश अवेलेबल है इसका मतलब क्या, कंपनी ने क्या किया भाई, वो कैश अवेलेबिलिटी में से कंपनी क्या करेगी बेटा, सेटलमेंट तो करेगी, राइट है, ये अभी हम लोग सिर्फ रिव्यू करेंगे, रिव्यू कर रहे हैं, फिर उसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरा मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी लिक्विडेटर से रिलेटेड पेमेंट था उन्होंने किया 5,000 आउट ऑफ कैश इन हैंड ऑफ ₹40,000, क्योंकि उनके पास पहले से कैश है ना, इधर देखो बैलेंस था, ठीक है, तो उससे 5,000 सेटल करने में क्या जाता है यार, 40,000 का कैश है ना आपके पास बैलेंस, तो 5,000 दे दिया बस खत्म, ठीक है। सो वही बोल रहा है, द कंपनी दी असेट रियलाइज, और ये सब काम किसका है, लिक्विडेटर का, और लिक्विडेटर अपना एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाएगा कि कितना कैश आया है, कितना, पहले तो बैलेंस दिखाएगा कैश का, बैलेंस ओपनिंग, फिर कितना कैश आया रियलाइजेशन पे, कितना पेमेंट हुआ है ऑर्डर के हिसाब से, जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताया मैंने। सो असेट रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड लिक्विडेटर कमीशन अमाउंटिंग टू ₹5,000 पेड आउट ऑफ कैश इन हैंड ऑफ ₹40,000, ठीक है। तो लिक्विडेटर का जो भी रेम्यूनरेशन ये सब है, सब पेमेंट करने के बाद आ जाओ फिक्स असेट से अपने को रियलाइज हुआ है 1,68,000, स्टॉक से अपने को रियलाइज हुआ है 1,10,000, बुक डेट से मिला है 2,30,000। स्टॉक का भाई ध्यान देना, स्टॉक का 1,10,000 जो आया है ना, उसमें से 1,00,000 तो भाई लोन ले मतलब लोन फ्रॉम बैंक जो सेटलमेंट है वो हो जाए, तो सिर्फ अपने को दिखाना कितना है, सिर्फ 10,000, क्योंकि कैश में आएगा सिर्फ 10,000 ना, 1,00,000 तो सीधा सेटल हो गया ना, सिक्योरिटी पे है वो 1,00,000 सीधा सेटल हो जाएगा, बचा कितना 10,000, तो वही 10,000 आपको सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी आपके कैश बैंक के डेबिट साइड में दिखाना है, मतलब लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट जो अकाउंट बनाओगे उसमें डेबिट में दिखाना है, वो एक तरह से कैश बैंक अकाउंट जैसा ही होता है कि कितना कैश आया कितना कैश गया। फिर क्या बोलता है बेटा अपने को, कॉल्स ऑन पार्टली पेड शेयर्स, क्या बोल रहा है, कॉल किया है ऑन पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स पे जो कॉल हुआ है, पार्टली पेड शेयर मतलब यही है ना बेटा 75, यहाँ देखो 75 ही कॉल है ना, कंपनी ने कितना कॉल किया था, मतलब इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 75 पेड अप, ₹25 का कॉल कंपनी करेगी। अब उसके लिए भी देखना पड़ेगा कैलकुलेशन करके कि भाई 25 का ही कॉल होगा कि कम होगा, तो कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर वेर मेड, ये तो है कि कॉल तो होना ही है लिक्विडेशन हो रहा है तो, बट द अमाउंट ड्यू ऑन 200 शेयर्स वॉज फाउंड टू बी इररिकवरेबल, ओह माय गॉश, ठीक है, कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर वेर मेड बट द अमाउंट ड्यू ऑन 200 शेयर्स, जो अमाउंट ड्यू था 200 शेयर्स पे वो इररिकवरेबल हो गया, मतलब नहीं रिकवर हो पाया, ठीक है, कोई बात नहीं रिकवर हो पाया तो गया, फिर खत्म हो गया। तो अब इसी के बेस पे आपको बनाना है क्या, प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपको लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है बेटा, बराबर, ये पूरा आपका क्वेश्चन है, इसी के बेस पे अपने को सॉल्व करना है। तो चलो लेट्स गेट रेडी, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट का फंडा कैसा होता है, फॉर्मेट देख, वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो आ जाओ अभी बेटा सिंपल,
सॉल्व करने के लिए कैसा लिक्विडेटर कैसे अपना पूरा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएगा, तो कौन सी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, एक्स वाई कंपनी, एक्स वाई कंपनी लिमिटेड, देखो एक्स वाई कंपनी लिमिटेड इन लिक्विडेशन प्रोसेस में है, लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आएगा सेम जैसा कैश बैंक अकाउंट होता है ना बेटा, रिसिप्ट और पेमेंट, तो रिसिप्ट कितना आ रहा है लिक्विडेशन प्रोसेस में, उसके हिसाब से कितना पेमेंट हो रहा है, सेटलमेंट कितना, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से सेटलमेंट करेंगे। तो रिसिप्ट में सबसे पहला तो आपको पता है कि असेट से पहला क्या क्या आ जाएगा उसके पास, रिसिप्ट में जितने भी असेट्स हैं उससे लिक्विडेटर के पास क्या क्या आएगा, सबसे पहला है क्या, देखो सबसे पहला तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है, बराबर है क्या, कैश का ओपनिंग बैलेंस, वो तो ओपनिंग बैलेंस दिखा दोगे आप, ये कैश था जो कि ओपनिंग बैलेंस था पहले से दिया था, समझने के लिए लिखा है इधर, ठीक है, तो कैश ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, फिर और असेट जो रियलाइज हुआ है, बराबर, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स में आपके पास क्या है, फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट से आपको फिक्स असेट रियलाइज्ड कितना अमाउंट मिला बेटा, फिक्स असेट से ये देखो, फिक्स असेट से आपको मिला है 1,68,000, बुक डेट रियलाइज होके आपको कितना मिला है 2,30,000, स्टॉक का अभी मतलब क्योंकि स्टॉक तो अपना लोन पे है ना, फिर फिक्स असेट रियलाइज आपको मिला है 1,68,000, बुक डेट्स रिलाइज हुआ है, ये रिलाइज बार बार नहीं लिखना है तो ऊपर लिख सकते हो, टू असेट रिलाइज, बुक डेट से आपको मिला कितना है 2,30,000, और बेटा आपका जो स्टॉक था स्टॉक से आपको सरप्लस मिला है, सरप्लस, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी जो कि स्टॉक है अपना, तो 1,10,000 माइनस 1,00,000 तो लोन का एडजस्टमेंट हो गया, 1,10,000 माइनस 1,00,000 तो लोन का एडजस्टमेंट, तो कितना आएगा आपके पास कैश आएगा रियलाइज हुआ 10,000, क्योंकि लोन का डायरेक्टली सेटलमेंट हो जाना चाहिए, तो इतना रिसिप्ट हुआ है उसके पास, इतना क्या हुआ बेटा रिसिप्ट हुआ है, गॉट इट, क्लियर है, इतना क्या बेटा रिसिप्ट हुआ है। उसके बाद अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करके वो पेमेंट करेगा, और फिर वर्किंग नोट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेंबर को सेटलमेंट करने के लिए फिर बाद में वर्किंग नोट अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, तो ये हम लोग करेंगे, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में थोड़ा टाइम जाएगा, तो विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ओके, तो ये याद रखना लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऐसे बनेगा जिसमें रिसिप्ट कितना रियलाइज हुआ है, पैसा कितना आया, फिर पेमेंट जाएगा, फिर शेयर होल्डर से कितना लेना है, इक्विटी शेयर होल्डर से पार्टली पेड अप है तो वो भी रिसिप्ट में आ जाएगा, ओके, गॉट इट।